गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे पास आया किंग फ्लाई का फ़ोन है और इसका मॉडल नंबर है K108। इसका मॉडल नंबर है, बिग बैटरी में है, बिग स्पीकर में है। तो बहुत सारे जो कमेंट आए हैं वो भी ऐसे ही आए हैं कि मतलब बिग बैटरी और बिग स्पीकर में है जो फ़ोन हो वो कीपैड में दिखाया जाए। तो गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ किंग फ्लाई का K108 मॉडल नंबर है। इसको मैं अनबॉक्स करूँगा और गाइस आपको बताऊँगा, बहुत ही सस्ता मोबाइल है ये। मोबाइल बहुत ही सस्ता है, अगर आप चाहते हो लेने के लिए अगर कीपैड मोबाइल तो आप ले भी सकते हो। मैं आपको इसका डिटेल से रिव्यू करके दिखाता हूँ कैसा ये फ़ोन है, दिखने में कैसा और कौन सी सिम इसमें चल जाती है। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊँगा, अगर आपको जियो सिम चलानी है तो कौन से फ़ोन में चलानी होगी और सबसे सस्ता फ़ोन कितने रुपए का आता है जियो सिम के लिए, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए गाइस शुरू करेंगे, आपको बताते हैं जियो सिम कौन से फ़ोन में चला सकते हो और इस फ़ोन को भी अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करेंगे। मैंने मोबाइल में बता दूं मैं आपको एक बार, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किंग फ्लाई का फ़ोन है और K108 इसका मॉडल नंबर है। और गाइस कलर की बात करते हैं तो कलर इसमें बहुत सारे हैं और इसमें आपको बिग बैटरी और बिग स्पीकर दोनों आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा ये फ़ोन है। तो गाइस मैं आपको फ़ोन दिखाऊँ, पहले आप इसमें देख सकते हैं इधर से आपको रेड बॉडी में और ये सिल्वर बॉडी में आपको फ़ोन मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा मोबाइल है और इसकी जो रेड कलर है, कलर में भी फिनिशिंग अच्छी दी हुई है। स्पीकर आपको यहाँ मिलने वाला है, एक आपको कैमरा भी साथ में मिल जाएगा। इसके फीचर्स बताते हैं, इसके बाद मैं आपको इसमें बैटरी डाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से फ़ोन चला सकते हो और कैसे कैसे कौन सी सिम डालोगे और कौन सा आप इसमें रिचार्ज कराओगे। आपको जियो सिम कैसे कौन से फ़ोन में चलानी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो बिल्कुल इसकी मत करना, मैं पहले इसके फीचर्स कुछ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं गाइस आपको बता दूँ, बिग सुपर बिग बैटरी आपको इसमें मिलने वाली है, बैटरी बहुत ज़्यादा चलने वाली है और डुबल सिम आप स्टैंड वाइज दो सिम लगा सकते हो इसके अंदर। और गाइस इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको 2.2 की आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। और गाइस इसमें आपको MP3 मेमोरी कार्ड डाल के आप गाने सुन सकते हो, MP3 और MP4 दोनों, यानी कि वीडियो भी गाने आप सुन सकते हो। और इसमें बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो जैसे कि कैमरा की बात करता हूँ, FM रेडियो है, ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा, FM रेडियो, ब्लूटूथ और कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और अगर टॉर्च की बात करते हैं तो गाइस इसमें टॉर्च आपको मिल जाएगी, जो कि दो दो टॉर्च आपको मिलती है इसमें। और अगर इसमें गाने सुनना चाहते हो तो गाइस इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, जिससे आप अगर गाने सुनना चाहते हो तो आप गाने भी सुन सकते हो। और अगर इसके चार्जिंग जैक की बात करते हैं तो आप नोकिया का चार्जर लगा सकते हो, नोकिया के चार्जर से आपको चार्ज ये फ़ोन हो जाएगा। तो बहुत ही गाइस ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर डिस्प्ले पर इसको DT6 इसमें लिखा हुआ है, A1 इसका जो किंग फ्लाई का जो है इसको A1 नाम से जाना जाता है। और गाइस गेम की अगर बात करूं तो गेम भी बहुत सारे आप चला सकते हो और K108 मॉडल नंबर और कई कलर में ये आपको फ़ोन मिल जाता है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि जैसे कि इसमें बैटरी डालता हूं और दूसरा मैं ये आपको बताता हूं कि कौन से फ़ोन में आप जियो सिम चला सकते हो और कितने रुपए का आपको रिचार्ज होना चाहिए। तो चलिए गाइस, तो गाइस मैंने इसके आपको फ़ीचर्स सारे बता दिए हैं, जैसे कि इसमें जो भी फ़ीचर्स है। तो मैं एक बार इसका कवर हटाता हूँ, आप देख लीजिए इस तरीके का इसमें पॉलिशदार कवर है और इसमें रेड कलर है, तो इधर के साइड में आपको वाइट मिलता है। और इसके अंदर की अगर बात करूं तो दो सिम आप लगा सकते हो, एक मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो। फ़ोन बहुत ही सस्ता है गाइस, ठीक है। आप ये फ़ोन देख लो, 700 रुपये का फ़ोन है ये, लेकिन ये किंग फ्लाई का है। तो किंग फ्लाई आप कंपनी देख लेना, क्योंकि कंपनी जो है किंग फ्लाई की है। इसमें जो MRP दी हुई है गाइस वो 900 रुपये MRP दी हुई है, 700 रुपये तक का मिल जाता है, MRP थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये चाइनीज़ में मोबाइल आता है, किंग फ्लाई का जो होता है वो चाइनीज़ में आता है, इसीलिए शायद ये मोबाइल थोड़ा सस्ता है। तो 700 रुपये का मोबाइल है और बड़ा खूब है, इसमें जो इसका साइज है हैवी वेट भी बहुत ज़्यादा इसका है। तो ठीक है मैं आपको ये बताता हूँ, इसको अभी साइड में रख देते हैं। आपको मैं बताता हूँ जियो सिम अगर आप चलानी है तो कैसे चलानी है। तो गाइस जैसे कि आप जियो सिम चलाना चाहते हो तो ये आपका फ़ोन मिलेगा जियो भारत V2 नाम से है। इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ ये फ़ोन है कैसा। तो चलिए गाइस इसको मैं खोल देता हूँ और खोल के आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। तो गाइस ये फ़ोन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये फ़ोन में आप जियो सिम चला सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जियो की अगर आपके पास पुरानी सिम है तो आप पुरानी सिम भी चला सकते हो जो जियो का है, लेकिन उसका पुरानी सिम चलाने का मतलब है उसमें आपको जो 123 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, ठीक है। मैं इसमें एक बार बैटरी डाल के आपको दिखाता हूँ, बैटरी कैसे आप मतलब कितना अंदर से किस तरीके से लगता है, कैसा लगता है। तो गाइस एक सिम डाल सकते हो और एक मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसकी बैटरी लगाते हैं और ऑन करते हैं।
गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जैसे किसी को पैसा भेजना चाहते हो, तो इसमें आप UPI सिस्टम इसमें दिया हुआ है, जिससे कि आप UPI कर सकते हो। ठीक है, आप फ़ोन को देख लीजिए, कुछ इस तरीके से जियो लिख के आया और ये ऑन हो गया है। इसमें आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, आप UPI पैसे भेज सकते हो, जियो सावन आप चला सकते हो, और अगर जियो सावन पे आप 8 करोड़ गाने भी सुन सकते हो गाइस। ठीक है, कैमरा आपको मिलने वाला है, जो कि आप इधर से देख पा रहे हो, फ्रंट में कैमरा नहीं है, वीडियो कॉलिंग आप नहीं कर पाओगे। और व्हाट्सअप चलाना चाहते हो तो व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब, ये इतनी चीज़ नहीं है, बाकी सारी FM रेडियो है, और आपको टॉर्च वगैरह मिल जाती है। जैसे कि टॉर्च अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ एक बार, तो देखो जैसे टॉर्च इसमें बहुत बड़ी है, और बिग बिग टॉर्च के साथ में ये वाला आपको मोबाइल मिलता है। और गाइस ये मोबाइल भी बहुत ही सस्ता है, मात्र 1000 रुपये का मोबाइल आपको मिलेगा ये वाला। अगर आपको जियो सिम डालनी है, पुराने फ़ोन की भी सिम आप डाल सकते हो, 123 रुपये का रिचार्ज करा लेना, और वो सिम आप आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और ये फ़ोन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिम आप डाल सकते हो। ठीक है, कमेंट कर देना, मैंने इंस्टाग्राम का आपको लिंक दे रखा है नीचे, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें। और गाइस मैं आपको, कोई दिक्कत होती है, ये मोबाइल आपको कैसा लगा, या किंग फ्लाई कौन सा आपको मोबाइल सबसे बेस्ट लगा, मुझे ज़रूर लिख के भेजें। और गाइस कोई दिक्कत परेशानी होती है या इसमें कुछ रह गया हो पूछने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक।